चैंपियन कोर्स किन के लिए है, जो IIT JEE एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप लेना है यूट्यूब का। आप मेंबरशिप लोगे तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपका लाइव डिस्कशन होगा, DP दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स की गारंटी अच्छे से करवानी आपको सिखाने की मेरी होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू, ज्वाइन बटन पे क्लिक। देखो, आज का जो हमारा रिएक्शन है ना, वो बेसिकली टेस्ट है, टेस्ट फॉर कोल्ड KMnO4 का लेक्चर देखा आपने? अच्छा, नहीं देखा, ठीक है। तो दो टेस्ट हैं, एक कोल्ड KMnO4, दूसरा हमारा BR2। ये जो BR2 है, ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। टेस्ट फॉर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? टेस्ट फॉर एल्कीन एंड अल्काइन, है ना। तो इसको आप देखो, जैसे BR2 हमने, ये हमारा लिक्विड एल्कीन है ना, इसमें हमने BR2 डाला, और BR2 डालने के बाद थोड़ा उसको शेक किया तो ये कलरलेस हो गया। तो अगर ये कलरलेस हो गया तो उससे क्या कन्फर्म हो गया? उससे कन्फर्म हो गया कि ये एल्कीन प्रेजेंट है। और अगर आपने BR2 का सॉल्यूशन डाला और उसका कलर मेंटेन रहा, इसका मतलब है कि अनसेचुरेशन नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि ये कलरलेस बन जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अपन दूसरी पिक्चर देखते हैं इसकी, और बेटर, ये BR2 वाटर है ना, एक्वस BR2 वाटर यूज़ करते हैं। हमें टेस्ट करना है कि ये एल्कीन है या नहीं है। तो अगर हम इसमें एल्कीन डालेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाना चाहिए? कलरलेस। अगर वो कलरलेस हो गया तो इसका मतलब है कि एल्कीन अल्काइन कन्फर्म हो गया। तो जैसे इसमें एल्कीन पोर करते हैं, एल्कीन लिक्विड एल्कीन डालते हैं, ये कलरलेस बनेगा, तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पे अनसेचुरेशन का टेस्ट है। तो ऑब्जर्वेशन इज डी कलराइजेशन ऑफ BR2 वाटर, है ना, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। एक और फोटो देखते हैं, एल्केन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड डज नॉट डी कलराइज BR2 वाटर, है ना। तो इसमें कोई डी कलराइजेशन नहीं हो रहा, ओरिजिनली जैसे एल्केन था उसमें आपने BR2 वाटर डाला, कोई चेंज ऑफ कलर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अनसेचुरेशन का टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन इसमें एल्कीन था, विल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड डी कलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो इससे कन्फर्म हो गया कि ये एल्कीन या अल्काइन है। तो तुमको ऑब्जर्वेशन समझ में आया? क्या ऑब्जर्वेशन है? डी कलराइजेशन ऑफ BR2 वाटर, उसका कलर डी कलराइज होगा तो पॉजिटिव टेस्ट है, नहीं है तो नेगेटिव टेस्ट है, ठीक है ना। जैसे ये रहा, ये और अच्छा पिक्चर है, देखो ये हमारे पास एक सैंपल है और हमने ड्रॉप बाई ड्रॉप BR2 डाला, है ना। तो जब हमने ड्रॉप बाई ड्रॉप BR2 डाला तो अगर वो सैचुरेटेड है तो उसका कलर मेंटेन रहेगा, और अगर वो अनसेचुरेटेड है तो कैसा हो जाएगा? डी कलराइज। समझे तुम? ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट करें। तो आज की जो हमारी रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, या पहले एल्कीन ले लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद BR2। रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद BR2 मतलब बेसिकली क्या कहेंगे हम, इट इज ए हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, अगर हम साइक्लोहेक्सीन लेते हैं और उसमें BR2 ऐड करते हैं, पहले मैं CCl4 की प्रेजेंस में ऐड करता हूं तो क्या बन जाता है हमारा? विसिनल डाइब्रोमाइड। ये प्रोडक्ट बनता है, लिखो इसको आप पहले, मतलब एडिशन रिएक्शन हो जाएगी CCl4 की प्रेजेंस में, जैसे हमने पिछली क्लासेस में HBr वगैरह डाला था, उस HBr की जगह BR2 है।
लिख लिया आपने, ठीक है। वैसे ही कौन सी रिएक्शन हो रही है हमारी, एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें दो तीन एग्जांपल पर ये भी समझते हैं। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन ले लूं और आपको बोलूं कि इसमें Br2CCl4 डालो, तो बताओ क्या रिएक्शन होगी? इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसमें नो रिएक्शन, बिकॉज एल्केन विल नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इसी में Br2 सनलाइट करूं, तब बताओ क्या रिएक्शन होगी? हैलोजनेशन होगा ना इसमें, H की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, Br। तो हम जो एडिशन प्रोसेस Br2CCl4 किसकी कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन फॉर एडिशन रिएक्शंस, है ना। तो अगर आप एल्केन में Br2 की रिएक्शन करना करोगे तो सबको सनलाइट करना पड़ेगा, CCl4 में नहीं होगा। ये लिखो जरा, यानी एल्केन Br2CCl4 नो रिएक्शन बिकॉज नो एडिशन प्रोसेस। sp3 कार्बन में वैसे भी एडिशन नहीं होते, ऐसी बेंजीन में Br2CCl4 डालेंगे तो क्या होगा, क्या इसमें एडिशन होगा? नहीं होगा। तो बेंजीन Br2 से रिएक्शन कब करता है बताओ, फ्री रेडिकल तो एल्केन्स में होते हैं, बेंजीन क्या है, बेंजीन इज ए न्यूक्लियोफाइल, तो आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपको लुईस एसिड डालने पड़ेंगे, जैसे आपने FeBr3 डाल दिया या ओनली Fe लिख लिया, तो FeBr3 और Br2 से रिएक्शन से क्या बनेगा, FeBr4-Br+ बनेगा ना। तो अगर आप लुईस एसिड डालोगे तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तब जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये हमारा एक कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये कब होगा, जब वहाँ पे लुईस एसिड होगा। तो ये लिखो जरा, मतलब Br2 रिएक्ट करता है एल्केन से, बेंजीन से, एल्कीन से, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। बेंजीन से रिएक्शन कब होगी, जब लुईस एसिड डालेंगे। लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो साइक्लोप्रोपेन जो है ना, ये ऑल दो एल्केन है लेकिन ये अनस्टेबल रिंग होती है, तो इसका ये जो बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड काफ़ी वीक होता है, स्ट्रेन रिंग मॉलिक्यूल है ये ना। तो अगर ये वीकर बॉन्ड है तो इसको तुम पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करो। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इसमें HBr डाल दिया तो साइक्लोप्रोपेन इज द ओनली एल्केन विच अंडरगो एडिशन, HBr वहाँ जाके ऐड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ Br2 डाल दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ पे क्या लग जाएंगे, Br। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये एक्सेप्शन है एल्केन का। वैसे एल्केन Br2 से रिएक्ट करते नहीं है, एल्केन HBr से रिएक्ट करते नहीं है। थ्री मेंबर रिंग जो है ना, वो सारी रिएक्शन शो कर देगा जो कि एल्कीन शो करता है, क्योंकि इसका ये वीकर बॉन्ड है। इसको आप अलग से लिख लो, बिकॉज ऑफ वीकर कार्बन कार्बन बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। Because of weaker carbon-carbon bond, cyclopropane undergo addition reaction. कॉफी वगैरह पियोगे तुम लोग?
आगे बढ़ें। अब आगे मैकेनिज्म लिखने के पहले दो चीज़ें और समझ लेते हैं अपन। पहले अपन ये समझ लें कि वाई बी आर टू इज गुड इलेक्ट्रोफाइल। बी आर टू एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, वाइल एल्केन इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल। एल्केन इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। बताओ ऐसा क्यों? बी आर टू जो है वो हमारा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन एल्केन इज नॉट ए इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा क्यों? इसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोफाइल आर दोज विच हैज वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होनी चाहिए, तब न्यूक्लियोफाइल उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना। अब आप ये बताओ कि ये जो बी आर टू जो है, अगर हम इसका बॉन्ड बनाएंगे ना, तो बी आर टू का जो बॉन्ड है वो काफी वीक बनता है, क्योंकि एक तो रिपल्सन भी होते हैं और इसका एक साइज भी ज्यादा है, तो ये एक वीकर बॉन्ड है। किसके कंपैरिजन में हम डिस्कस कर रहे हैं? इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर अपन कार्बन कार्बन बॉन्ड पे जाएंगे तो रिलेटिवली ये कैसा है हमारा? स्ट्रांग बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रांग है और ये वीकर बॉन्ड है। तो बताओ अगर ये बॉन्ड जब वीकर बॉन्ड बनेगा तो इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी डिफरेंस कम होगा, है ना। तो अगर बॉन्ड बना रहा है तो बी आर टू का जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी डिफरेंस कम होगा, यानी इसका जो सिग्मा स्टार होगा ना एंटी बॉन्डिंग, वो रिलेटिवली लो एनर्जी लेवल होगा इन कंपेयर टू दिस सिग्मा स्टार, क्योंकि ये स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है तो उसका बॉन्डिंग और उसका एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक न्यूक्लियोफाइल दे दूँ तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस बी आर टू के वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पे अटैक कर देगा, जबकि वही न्यूक्लियोफाइल इसके वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? वो रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे एंटी बॉन्डिंग वेकेंट एंटी बॉन्डिंग तो सभी में वेकेंट होते हैं, मेजोरिटी ऑफ मॉलिक्यूल में। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते। कौन होंगे? जो वीकर बॉन्ड होंगे। जैसे बी आर टू एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि वीकर बॉन्ड है। इंटरहेलोजन भी अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हैं, जैसे आई सी एल हैं, ये भी अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हैं क्योंकि ये कैसे हमारे वीकर बॉन्ड है। ऐसे ही देखो सल्फर हेलोजन, ये भी अच्छे इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये वीकर बॉन्ड है। इन सब के एंटी बॉन्डिंग में हम अटैक कर सकते हैं, या कुछ केसेस में अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो परॉक्सी भी इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इसका भी तो बॉन्ड वीक है। तो जो भी वीकर बॉन्ड होते हैं ना वो इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले कर सकते हैं, समझे आप। तो ये लिखो पहले कि बी आर टू इज ए गुड इलेक्ट्रोफाइल। Br2 is a good electrophile because of weaker bond, it has vacant antibonding, because it has vacant antibonding, low energy antibonding orbital. Br2 is a good electrophile because of vacant antibonding molecular orbital. Br2 is a good electrophile because it has vacant antibonding molecular orbital. ब्रैकेट में चाहो लिख लो लो एनर्जी लेवल। तो जहां भी परॉक्सी बॉन्ड होगा ना, परॉक्सी बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरह रोल प्ले कर सकता है, बस कंडीशन एक है न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए।
आगे बढ़े। दूसरा हमने एक चीज डिस्कस की थी कि क्लासिकल कार्बोकैटायन एंड नॉन क्लासिकल कैटायन, तो बताओ क्लासिकल में और नॉन क्लासिकल कैटायन में कौन ज्यादा स्टेबल है? नॉन क्लासिकल ज्यादा स्टेबल है ना। तो जैसे ये जो है अभी जो मैंने कार्बोकैटायन बनाया है, बताओ ये क्लासिकल कैटायन है या बताओ ये नॉन क्लासिकल है? ये तो नॉन क्लासिकल है, एक ही कार्बन पे है ना। लेकिन अगर ये लोन पेयर यहाँ अटैक कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है बताओ? नॉन क्लासिकल में। तो अगर हमारे पास दो ऑप्शन है ना, तो हमने डिस्कस किया था क्लासिकल है नॉन क्लासिकल है, तो हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? नॉन क्लासिकल फॉलो करेंगे ना हम लोग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली ये बताओ, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, तो ये भी बना सकता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो बताओ हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, क्लासिकल या नॉन क्लासिकल? नॉन क्लासिकल, इट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, है ना। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है, अगर मैं यहाँ पे H प्लस ले लूँ, अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस यहाँ अटैक कर रहा है, तो ये क्लासिकल मैकेनिज्म करेगा कि बताओ ये नॉन क्लासिकल करेगा? क्या हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ अटैक करे इसे? ये क्यों नहीं कर सकते? लोन पेयर ही नहीं है ना इसमें। तो अब ऐसे कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे जो क्लासिकल मैकेनिज्म नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? लोन पेयर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बी आर प्लस का अटैक किया नेट, तो ये नॉन क्लासिकल बनाएगा, है ना। एन ओ प्लस का अटैक किया, ये हमारा नॉन क्लासिकल बनाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ऐसे ही मान लो कहीं पे सल्फर का अटैक हो रहा है, एस एच का सपोज करो, तो ये नॉन क्लासिकल है। तो जब मैं बी आर टू रिएक्शन में ऐड कर रहा हूँ, तो ये अटैक होने के बाद बी आर प्लस बना सकता है, तो ये बी आर टू नॉन क्लासिकल में जाएगा। सपोज करो एन ओ सी एल ले लिया हमने, तो सी एल माइनस निकल गया तो एन ओ प्लस नॉन क्लासिकल बनाएगा। सपोज करो सी एल एस ले लिया, सी एल माइनस निकल गया तो नॉन क्लासिकल बनाएगा। और अगर सपोज करो मैंने एच बी आर ले लिया, तो इसमें तो एच प्लस अटैक करेगा, यानी यहाँ पे नॉन क्लासिकल नहीं बनेगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल के पास, इलेक्ट्रोफिलिक एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए, इन सब में लोन पेयर हैं, तो ये सब कौन से मैकेनिज्म को फेवर करेंगे? नॉन क्लासिकल को। समझे आप? तो पहले ये लिखो, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर, देन मैकेनिज्म कैन बी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर देन मैकेनिज्म कैन बी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। लिख लिया आपने, और वो तो लिख ही रखा है आपने, नॉन क्लासिकल कैटायन इज मोर स्टेबल देन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन क्लासिकल कार्बोकैटायन। आगे चलें, इलेक्ट्रोफाइल तीनों लिख लो, और लिख लो नॉन क्लासिकल कैटायन।
नोट कर लिया सबने। अब हम लिखते हैं इसका मैकेनिज्म, आज से मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करेंगे। पहले देखो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, जैसे हमारा एल्कीन है ना, एल्कीन इज ए न्यूक्लियोफाइल और Br2 क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको आप दो तीन तरीके समझो कि जब ये Br2 एल्कीन को अप्रोच करेगा ना ऐसे, तो इस बॉन्ड में पोलराइजेशन आएगा, यानी यहाँ डेल्टा माइनस बनने लगेगा और यहाँ पे डेल्टा प्लस बनने लगेगा, है ना। एक तरीका दिए तो एल्कीन अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड पोलराइज होकर Br माइनस निकल रहा है और Br प्लस यहाँ अटैच हो रहा है। और एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हो रही है, एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हो रही है कि ये Br2 है, इसका एक वेकेंट एंटीबॉन्डिंग है ना, यानी इसका वेकेंट क्या है, सिग्मा स्टार, यानी ये Br2 कैसा रोल प्ले कर रहा है, इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो एल्कीन ने अटैक किया और यहाँ से Br माइनस निकल गया, ये इसका RDS स्टेप है। तो मैकेनिज्म कैसा होगा बताओ, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, यहाँ बनेगा Br प्लस और यहाँ से कौन निकल गया, Br माइनस, ठीक है ना। दो ही ऑप्शन थे, हम क्लासिकल बनाते हैं नॉन क्लासिकल, तो लोन पेयर है तो नॉन क्लासिकल बन गया, ठीक है। अब ये बना साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये एक प्लेनर है, जैसे ये मान लो ये तीनों एटम एक रिंग में एक ही बोर्ड पे, ये बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों ना, तो ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, तो इसका एंटीबॉन्डिंग किधर होगा भाई, अगर ये इस कार्बन और ब्रोमीन का एंटी बॉन्डिंग इसके पीछे की तरफ होगा ना ऐसे, ये होगा ना सिग्मा स्टार इसका एंटी बॉन्डिंग। तो अब तुमको समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट स्टेप अटैक कैसे होगा, नेक्स्ट अटैक होगा इस Br के बैक साइड, ये SN2 मैकेनिज्म टाइप हो रहा है, ये SN2 ही हो रहा है, ये Br माइनस का अटैक और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, अगेन हम उसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, जिसने अटैक किया वो तो अबव द प्लेन आएगा, और ये वाला ब्रोमीन कहाँ आएगा, नीचे आएगा ना इससे। तो बताओ इसको ओवरऑल कैसा एडिशन बोलेंगे, इसको एंटी एडिशन बोलेंगे या इसको बताओ सिन एडिशन बोलेंगे। एंटी एडिशन का मतलब क्या, ऑपोजिट, एक जैसे ये एल्कीन प्लेनर है ना, एक बिलो द प्लेन आया एक अबव द प्लेन आया, तो ये तो हो गया हमारा एंटी एडिशन, और दोनों अगर सेम साइड आए तो सिन एडिशन। तो ये वाला मैकेनिज्म कैसा है हमारा, एंटी एडिशन। भाई पहले ऐसा समझो ना, एल्कीन प्लेनर है तो पहले Br2 यहाँ आया, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाया उसने, फिर दूसरे Br माइनस ने बैक साइड अटैक किया, तो जिसने अटैक किया वो ऊपर आ गया और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये ब्रोमीन नीचे आ गया, है ना। तो ओवरऑल एंटी एडिशन है, कितने स्टेप हुए, नंबर ऑफ स्टेप कितने, दो ही है ना, साइक्लिक ब्रोमोनियम बना और फिर एंटी एडिशन, और रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कौन है हमारा Br2, समझे आप, बनाओ इसको। और ये पॉजिटिव टेस्ट कहलाएगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव, डीकलराइजेशन ऑफ Br2 हो जाएगा इसमें, रिएक्ट किया तो डीकलराइज हो गया। नहीं वो बनता नहीं है, वो तुमको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया कि जैसे वो Br, देखो आप यहाँ देखो ना, दो ऑप्शन है कि ये Br पहले क्लासिकल बनाए और फिर नॉन क्लासिकल बनाए, तो एनर्जी प्रोफाइल ऐसे होंगे ना, ये बना नॉन क्लासिकल कैटायन, क्लासिकल कैटायन होगा तो और ऊपर बनेगा, तो और ये RDS है, तो RDS में पहले हम नॉन क्लासिकल बनाएंगे ना, हम ऐसे नहीं करेंगे क्लासिकल गए फिर यहाँ नॉन क्लासिकल आया, ऐसा नहीं, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया मैंने।
वैसे इसमें एक और पीरियड बनेगा, मैंने एक ही बनाया है, एक और कैसे बनेगा? जैसे मैंने बी आर माइनस का अटैक यहाँ किया ना, वैसा अटैक इस कार्बन पे भी तो हो सकता है। तो अगर मैं लेफ्ट वाले कार्बन पे अटैक करूँगा तो उससे एक और पीरियड बनेगा। अच्छा, लेफ्ट वाले पे अटैक किया अबव द प्लेन, तो दूसरा वाला बी आर हमारा बिलो द प्लेन आ गया ना। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये इनेंशियमर है। कैसे? देखो ये कार सेंटर है ना, इसका एक पेयर चेंज हो गया एच बी आर, इसका भी एक पेयर चेंज हो गया। और वैसे हम कहाँ रखेंगे तो मिरर इमेज दिखाई देगी, इसके नीचे मिरर रखेंगे ना तो ये मिरर इमेज बन जाएगी इसकी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इनेंशियमर बन गया, यानी यहाँ क्या बना हमारा रेसिमिक, क्या बने? टू इनेंशियमर। आगे बढ़े, लिख लिया आपने रेसिमिक मिक्सर बना, ठीक है। अब आप एग्जांपल बनाओ ये। अब आपको मैकेनिज्म पता है, एंटी एडिशन, जैसे मैंने आपको मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दे दिया और बोला कि बी आर टू सी सी एल फोर का एडिशन करो, तो आपको पता है मैकेनिज्म क्या है एंटी एडिशन। तो हम सीधे प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बताओ? एंटी मतलब एक बनाएंगे वेज में बी आर को और एक क्या बनाएंगे डैश, प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जहाँ वेज है वहाँ डैश और जहाँ डैश है वहाँ वेज। तो ये बन गया हमारे दो प्रोडक्ट, यानी रेसिमिक मिक्सचर। समझे आप? आपको दो प्रोडक्ट बनाने हैं भाई, दो ही प्रोडक्ट बनेंगे एक एल्कीन से। कैसे भाई? बी आर इस कार्बन पे अबव द प्लेन, इस कार्बन पे बिलो द प्लेन, या इस पे अबव द प्लेन, इस पे बिलो द प्लेन। फिर आपको चेक करना पड़ेगा आइडेंटिकल है, इनेंशियमर है, डायस्टमर क्या, वो रिलेशन खुद निकालना है। बनाओ इनको। बोलो। हाँ लिख दो, एक दो के मैकेन लिख लो।
थर्ड का क्या आंसर आएगा? वेज और डैश दो बनेंगे ना ये, है ना? तो पहले वाले में यहाँ डैश, तो यहाँ आ गया वेज, यानी ये क्या बन गया हमारे रेसिमिक। फोर्थ में बताओ, डायस्टमर बनेंगे इसमें, ऊपर वाले पे वेज लगा लो, इस पर डैश लगा लो, वही हमारा एक कार्य सेंटर फिक्स और एक नया बन रहा है ना, एक डैश और एक ये वेज, ये बनेंगे हमारे डायस्टमर। फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में एक वेज और ये आ गया डैश। नेक्स्ट क्या बनाया आपने? जहाँ वेज है वहाँ डैश बना लिया, और जहाँ डैश है आप वहाँ वेज बना, ये बनाया ना आपने। बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है? इनेंशियोमर, मिरर इमेज हुआ है ना, ये रेसिमिक हुए, इनेंशियोमर हो गए, ठीक है ना। सिक्स बताओ, एक ही बनेगा इसमें तो, कोई कार्य सेंटर वगैरह कुछ नहीं बन रहा है, तो एक ही बनेगा। सेवंथ में इसमें भी एक ही बनेगा। एट्थ में ट्रांस बन जाएगा, नहीं एक ही बनेगा, मतलब ट्रांस। आप एंटी एडिशन करोगे ना ब्रोमीन के बारे, इधर अटैक करो इधर करो, बनेगा तो ट्रांस ही, समझे आप? दो ट्रांस नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो मॉलिकुलर प्लेन है, दूसरी ट्रांस उसकी मिरर इमेज है। ठीक है, इसकी देखो कैरेक्टरिस्टिक, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? एडिशन हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। आरडीएस क्या है बताओ? आरडीएस इज फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, यानी अटैक ऑफ Br2। और डीकलराइजेशन ऑफ Br2 क्या है? डीकलराइजेशन ऑफ Br2 इज टेस्ट फॉर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। और ओवरऑल मैकेनिज्म कैसा है? एंटी एडिशन है या सिन एडिशन है? इट इज ए एंटी एडिशन मैकेनिज्म। और अगर मैं पूछूं कि रेट ऑफ हैलोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा, बताओ? रेट ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, एक ही एल्कीन है, एक ही एल्कीन है, एक ही एल्कीन है, इन तीनों में रेट ऑफ हैलोजिनेशन का ऑर्डर क्या है? रेट कैसे निकालेंगे? आरडीएस, आरडीएस में क्या हो रहा है? नॉन क्लासिकल कैटायन बन रहा है। और अपन ये कह सकते हैं कि एल्कीन का रोल क्या है आरडीएस में? न्यूक्लियोफाइल। Br2 का रोल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो Br2 तो कांस्टेंट है ना सबके लिए, Br2 यहाँ डाला, यहाँ डाला, यहाँ डाला, वेरिएबल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वेरिएबल है। और कंसंट्रेशन दे नहीं रखी है, तो इक्वल कंसंट्रेशन मानेंगे सबकी। तो अब आपको बताना है कि सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड आएगा। अब फर्स्ट वाला सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है? मोर इलेक्ट्रॉन प्लस आई प्लस एच, है ना, मोर इज द न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन। हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, यहाँ इतने सारे प्लस एच प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ पे दो प्लस आई लग रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस आई लग रहा है। अच्छा, दूसरे तरीके समझ सकते हो इसको, इसके आरडीएस में नॉन क्लासिकल कैटायन बनाओ, ये बनेगा नॉन क्लासिकल कैटायन,
ये बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, है ना, दोनों 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे नॉन क्लासिकल कैटायन बनाऊँ तो बताओ इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, और यहाँ डिग्री कितनी है, 1 डिग्री कैटायन। तो बताओ इन दोनों में से स्टेबल इंटरमीडिएट कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला हुआ ना। तो मोर डोनेटिंग ग्रुप मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर डोनेटिंग ग्रुप मोर स्टेबल कैटायन। आप चाहो तो RDS में कैटायन बना लो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक नेचर देख लो, एक ही बात है दोनों, समझे आप। वैसे नॉन क्लासिकल बन रहा है तो बना के देख लो। ऐसे अगर मैं यहाँ एल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लूँ तो बताओ इसका रेट ऑफ हैलोजनेशन में ये कहाँ आएगा, सबसे आगे या सबसे पीछे, ये सबसे लास्ट आएगा, क्योंकि हमारा एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, -I and -M, तो यहाँ जो कैटायन बनेगा वो स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल बनेगा ना ये। तो अब न्यूक्लियोफिसिटी कब बढ़ती है, इसका न्यूक्लियोफिसिटी कब बढ़ेगा, +M + H + I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिसिटी ऑफ एल्कीन। लिखो इसको, और दो एसिड लगा दिए होते तो और कम हो जाएगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखो, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या, विशेषताएं, खूबियां। बहुत सारे वॉर है ना एंटी अटैक के वजह से जीते जाते थे पहले। एंटी अटैक कैसे होता है कि भाई दो सेनाएं लड़ रही है ना, तो सामने वाली क्या करती है, अपने में से कुछ सैनिक अलग कर लेती थी, वो छुपा के कहीं साइड में कर लेती थी। जब ये वॉर चलता था ऐसे तो उनको पीछे से अटैक करने के लिए बोलते थे, तो वो एकदम अनप्रिपेयर्ड होंगे, तो फ्रंट से लड़ रहे हो आप, पीछे से और अटैक हो गया आपके, तो एकदम अफरा तफरी माहौल बचता था ना ऐसे। उसमें नहीं देखा था आपने, वो बाहुबली के अंदर वो था ना एक त्रिशूल व्यू, अरे बाहुबली मूवी नहीं देखी तुमने, उसमें वो था ना बाहुबली की सेना कितनी होती है, 25,000 की, 25,000 ही थी ना, सामने वाले की शायद 1,00,000 होती है वो, तो क्या कैसे हराएंगे उनको। तब वो बाहुबली और उसके वो पूरे जो उसकी मदर वगैरह सब बैठते हैं, बोलते हैं कि उसको हरा सकते हैं कि कैसे, कि त्रिशूल व्यू से। तो त्रिशूल व्यू में तो वो था कि वो एक एकदम आपको सेंटर में ऐसे जाके अटैक करना है, पहले ऐसे त्रिशूल टाइप बनाना है ऐसे ताकि वो अटैक नहीं कर पाए, फिर बीच में से निकल के ऐसे अटैक करेंगे, फिर वापस ऐसे घूम के ऐसे अटैक करेंगे, इस तरीके से वो बनाते थे, समझ रहे हो भाई। तो डिफेंस बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आप बाहर एब्रॉड वगैरह जाओगे ना, अभी मैंने एक पॉडकास्ट में एक बंदे का सुना था, USA का था, कि बाहर जब लड़ाई होती है ना एक दो लोगों में, तो कैसे होती है कि भाई वहाँ बाहर फॉरेनर कैसे होते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे होते हैं हेल्दी, वो थोड़े नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाते हैं ना एकदम, तो यू आता ना यू वांट अ फाइट, तो डायरेक्ट वो 1-to-1 फाइट करते हैं, है ना, सीधा एक दूसरे के साथ, जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, है ना। अपने यहाँ लड़ाई कैसे होती है, अपने यहाँ जब दो लोग लड़ते हैं, है ना, तो वो फ़ोन करता है कि आजा भैया, वो अपने पता नहीं दोस्तों को और सब बुला, वो इधर वाला बुलाता है, वो उधर वाला बुलाता है, प्रोसेस है पूरा। तो आपको है ना फिजिकली थोड़ा, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहना है। ताकत है ना मसल्स में नहीं होती, ताकत दिमाग में होती है, है ना। तो हल्का डरना अच्छी चीज़ है, लेकिन हल्की निडरता, है ना, मतलब ऐसा नहीं, कई बार मतलब ऐसा भी सोचना है कि क्या हो जाएगा उसमें, घबराना नहीं है छोटी चीज़ों से, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा डरने लग गए ना तो हर जगह एंजाइटी आने लगेगी कि यार एग्ज़ाम में ये हो गया तो क्या होगा, तो क्या हो गया, आसमान थोड़ी गिरेगा, हम तो रहेंगे ना दुनिया में, कुछ और करेंगे, है ना। तो वो एटीट्यूड वो जो आता है ना वो यहाँ से आता है, इसे मेंटली स्ट्रांग रहना है, और बाहर जाओ थोड़ा फिजिकली भी स्ट्रांग रहना। अब वो कहेगा मान लो ये वाना फाइट 6.5 फीट का आदमी है, 150 किलो का, आप सूखे सागे 50 किलो के, आप कहोगे मैं स्ट्रांग हूँ लेकिन मेंटली हूँ, आई विल मेंटली फाइट विद यू, है ना। तो थोड़ा फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है, बाकी मेन ताकत। बड़े बड़े ऑफिसर तुम देखा नहीं कई बार कि यार ये ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो तुम देखोगे फिजिकली क्या, जब आप पावर में होते हो तो ताकत किस में होती है, ताकत आपके कलम में होती है ना, आपके उसमें होती है ना। पर डिफेंस मिनिस्टर जैसे होता है, जैसे अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम उनका, IAS ऑफिसर जो है,
एस जयशंकर, कितना शानदार बोलते हैं वो, देखा आपने कभी किसी फॉरेन मिनिस्टर को बोल, आप उसको बोलते हुए देखना, मतलब है ना वो जवाब देता है ना ऐसे, जैसे वो क्राइसिस हुआ ना यूक्रेन और रशिया वाला, तो उसमें ना वेस्टर्न कंट्री ने इंडिया पे बहुत प्रेशर बनाया, यूएसए ने, यूके ने, इन्होंने कहा कि आपको रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, आपको रशिया से गैस नहीं खरीदनी है, क्योंकि रशिया से अपन खरीदेंगे रशिया को पैसा देंगे और उस पैसे से रशिया लड़ेगा, तो वो उसको इकोनॉमिकली उसको ब्रेक करना चाहते थे, तो सारे कंट्रीज ने इंडिया पे प्रेशर बनाया है ना, कौन से वेस्टर्न वर्ल्ड मेनली, ये जो तीन चार है ना। तो अब हुआ गया, अपना जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने वहाँ पे बोला, उसने बोला कि यूरोप को ये समझना होगा द प्रॉब्लम ऑफ यूरोप इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। भाई आपके दुनिया में, आपके कंट्री में कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप कहते हो पूरी दुनिया की समस्या है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जहाँ सस्ता मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, और हमने खरीदा भाई 100 रुपये किलो मान लो वहाँ मिल रहा है यूरोप में, अपने को रशिया दे रहा है 50 रुपये में, कहाँ से लेंगे भाई साहब, इंडिया का आदमी तो 10 रुपये के लिए चला जाए कहाँ से कहाँ, ये तो 50 रुपये का मैटर है, पूरा ऑयल अभी तक खरीद रहे हैं अपन उससे है ना, ऑयल उससे खरीद रहे हैं क्योंकि अपने को इकोनॉमिकली सस्ता पड़ रहा है बहुत। वो कह रहे हैं कि इसको वो ये नहीं कह रहे कि हम, वो कह रहे हैं कि इससे मत लो, कि लो कहाँ से वो तुम देखो तुम्हारा, इससे मत लो ईरान से मत लो, ईरान से भी उनकी बनती नहीं है ना, तो अपन ईरान के सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं, मतलब अपना 80% तो बाहर से आता है ना ऑयल वगैरह सब, तो ईरान से लेते हैं अपन और रशिया से लेते हैं, जो सस्ता देते हैं उसे ले लेते हैं, समझ गए। तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा तुमको, पहले IIT क्रैक करना पड़ेगा, फिर थोड़ा अच्छे से अच्छे इंजीनियर बनाओ, टेक्नोलॉजी बनाओ है ना, एनर्जी रिसोर्सेज इंडिया जिस दिन खुद खड़ा हो गया ना एनर्जी में, तो अपना बहुत कंट्री ग्रो कर जाएगा, अपना सारा पैसा तो बाहर चला जाता है भाई, अपने फ्यूल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी अपनी बहुत ज़्यादा है, तो वो चाहते नहीं कि बहुत सारे देश की इनकी डिपेंडेंसी बढ़े, वो चाहते हैं ये ऐसे ही रहें या थोड़ा पीछे चले जाएंगे, तो जितने अपन पीछे जाएंगे उतना उनको फ़ायदा होगा ना, सस्ता मैन पावर मिलेगा, सस्ता कंट्री मिल जाएगी, आप वो अपने रूल रेगुलेशन लगाएंगे अपनी कंपनीज के अंदर, तो अपने को स्ट्रांग रहना है, तो पुशअप लगाना है रोज, समझ गए, ठीक है। तो फिर अगली बार मिलते हैं, फिर अब तुमको पहले कोल्ड केवन ऑफ़ पढ़ के आना पड़ेगा, तब इसको आगे वाला पार्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो अगले लेक्चर में कोल्ड केवन ऑफ 4 को नोट्स में लिख के लाना है ना, अभी इसका पार्ट 2 करेंगे अपन, तुम दोनों ने कर लिया कोल्ड केवन ऑफ 4, और बाकी लोग क्या मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो है? तो करना है भाई है ना, तो अगली बार फिर सैटरडे को इसको ख़त्म करेंगे है ना।
रिएक्शन के आरडीएस में साइक्लिक प्रोमोनेवन बनता है और न्यूक्लियोफिलिक सेल की फास्ट रिएक्ट करता है। सी स्टूडेंट जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो रस लिपिड स्ट्रक्चर बन जाता है। जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है तो वन प्रोडक्ट बनता है जो मिजो होता है। एमएस चौहान सर एनिमेशन समझाते हैं कि कैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को कलरलेस कर देते हैं। एमएस चौहान सर एनिमेशन से समझाते हैं कि कैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को कलरलेस कर देते हैं। एमएस चौहान सर एनिमेशन समझाते हैं कि कैसे